नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम में और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन, सीएम सैनी के पास सार्वधिक विभाग, अनिल विज को परिवहन मंत्रालय। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सितंबर में 2.47 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सियासी हमला, झूठ और दोषारोपण की राजनीति करती है आप। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा, हरियाणा प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने में भाजपा सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया स्वागत। हरियाणा सरकार का फैसला, 22 अक्टूबर से नगर निकायों में शुरू होंगे समाधान शिविर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, ध्येय के साथ चलने वाला आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने कहा, कांग्रेस के जो नेता हिसाब मांगते घूम रहे थे उनका हिसाब जनता ने चुकता कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, एमएसपी तय करके किसानों से पराली की खरीद भी करे हरियाणा सरकार। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बोली आरती राव, दक्षिण हरियाणा रहेगी उनकी प्राथमिकता। कुरुक्षेत्र में 24,000 युवाओं को नौकरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐतिहासिक वादा पूरा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।